यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दोबारा खेलने वाले माइनक्राफ्ट। तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने बनाया था एक एन्चैंटमेंट टेबल। हाँ, तो वो एन्चैंटमेंट टेबल नीचे है। मैं आज का वीडियो रिकॉर्डिंग ऊपर स्टार्ट किया क्योंकि मैं नीचे थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम किया। वहाँ जो देख सकते हैं वहाँ रोड बना हुआ है, वो मैं बनाया हूँ। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट पानी में कूदता हूँ। हाँ, ये पानी में कूदो। फक, अरे यार ये क्या था। ठीक है, तो छोड़ो जो भी है। हाँ, तो पिछले वाले वीडियो में आप देखे थे कि ये जो मेरा घर था ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये अब पूरा चेंज हो चुका था। तो ये घर को मैं तोड़ के नया ब्रिक से बनाया हूँ। ये ब्रिक है, ये स्टोन ब्रिक है इसको बोलते हैं। अरे घर में स्पॉन होने स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं इसके थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको पीसफुल कर लेता हूँ ताकि कोई मॉब्स आके मेरे को खा ना जाए। उसके बाद टॉर्च वॉर्च लगाएंगे, उसके बाद हम करेंगे ना पूरा रोशनी करेंगे अभी घर में। ये जो मेरे नीचे का बेस देख रहे थे वो ये है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं ये अपना ब्रिक, स्टोन ब्रिक। तो स्टोन ब्रिक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा सा कॉबल स्टोन चाहिए। तो कॉबल स्टोन आप ले लो। कॉबल स्टोन लेने के बाद आप फर्नेस में कोल के ऊपर इसको डाल दो और ये आपका बन जाएगा एक स्टोन। तो आपका स्टोन से, मेरे पास बहुत सारे स्टोन में बना के रखा हूँ इसमें। चल 64 हो गया यहाँ पे, बढ़िया। तो ये इतना सारा स्टोन मिल जाएगा, स्मूथ स्टोन बोलते हैं शायद इसको। तो यहाँ जाना, उसके बाद ये ब्रिक में क्लिक करके फटाफट जितना भी ब्रिक बनता है पूरा ब्रिक बना लेना। मेरे को तो बहुत सारे ब्रिक्स अभी भी ज़रूरत है, जितना मैं बना है उतना हुआ नहीं। और आप गाइस देख सकते हैं मेरा पिकैक्स का पावर अभी कम है। तो उसके लिए मैं एक थ्रोन बनाने वाला हूँ। तो थ्रोन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। थ्रोन के लिए आपको लगता होगा आयरन। तो ये रहा थ्रोन, आपको 3 ब्लॉक्स ऑफ आयरन ब्लॉक चाहिए और 1 2 3 4 आपको आयरन चाहिए आएंगे इंगट। तो सब मेरे पास पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे 5 यहाँ पे आयरन ये पड़ा हुआ है और इंगट 19 पड़ा हुआ है। तो हम फटाफट बना लेते हैं एक थ्रोन। तो ये बन चुका, कहाँ गई ये। तो हम इसको एक जगह प्लेस करने वाले हैं। इसको कहाँ प्लेस करें, आई थिंक इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। हाँ, तो इसको यहाँ प्लेस करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना पिकैक्स को रखना है, यहाँ पे आयरन इंगट रखना है और ये आपका तैयार हो गया। आपका पिकैक्स का अच्छे से एकदम एफिशिएंसी भी लग के। और इसका एक काम करते हैं, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैं रखूँगा कुल्हाड़ी। इसका नाम कुल्हाड़ी है, तो हट। तो ये कुल्हाड़ी बन चुका। अब मैं इसको भी इसका भी पावर बढ़ा देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ तलवार। तलवार तो बन चुका है, इसको भी रिपेयर करा लेता हूँ। इसको हटा के इसका नाम लगते हैं, क्या लगते हैं इसका नाम, क्या बोलते हैं इसको, कुल्हाड़ी फरसा रख लेता हूँ इसका नाम। चलो फरसा ठीक है। एन्चेंटमेंट कॉस्ट 2, तो मेरे को क्या 2 क्या चाहिए। अच्छा, लेवल भी चाहिए। और गाइस मेरे को पता नहीं ये बो कैसे करते हैं, रिपेयर करते हैं। बाकी सब तो मेरा अच्छे से रिपेयर हो गया, मेरा तलवार कुल्हाड़ी उलाड़ी रात हो रहा है सो जाते हैं। स्टोन ब्रिक्स मेरे पास बहुत सारा बन चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ये है, इसको बोलते हैं स्टोन ब्रिक। तो इसको तोड़ लेते हैं हम और जाके सो जाते हैं। और गाइस सोच रहा हूँ, मेरे पास ना एक डायमंड का पिकैक्स है, तो मैंने अपना डायमंड का पिकैक्स में भी कुछ कुछ लगाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपना वो बढ़ाऊँगा, लेवल बढ़ाऊँगा। लेवल बढ़ाने से क्या होगा, अपनों का बेहतर रहेगा। तो इसको पहले इससे कवर कर लेते हैं। ये खत्म
और गाइस मैं आपको एक और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आज, आप देखना उसको, एक एक ग्लिंच हो गया शायद गेम, इसलिए कारण ऐसी होता है, एक चीज़ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, रुको 5 मिनट, इसको पहले बनाने दो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है वो, लग जा, चलो लग गया ये, इसको भी लगा देते हैं फटाफट। तो ये भी, ये दीवार भी खड़ा हो गया, बढ़िया। इसको ऐसा ऐसा ऐसा, नीचे तक मेरा हाथ जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। तो इसको ऐसा लगाते हैं, तो मेरा ऐसा करके डालने से, गाइस मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, रुको। तो आप जैसे हाई प्लेस से गिरते हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इधर उधर क्यों लग रहा है यार, देखो मेरा, हाँ हार्ड देखना, हाँ हार्ड देखना मेरा, अभी मैं भी कूदता हूँ, देखे ऐसे करके आप कोई भी ब्लॉक गिरते समय ऐसे ब्लॉक रख दोगे और उसके ऊपर कूद जाओगे ना, तो ब्लॉक आपको प्रोटेक्ट कर देता है और कुछ नहीं। ये कहाँ लग रहा है, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो कम हट गया, वापस भी आ गया, इतना हट गया। चलो ये सब भी तोड़ लेते हैं, अपने इन्वेंटरी में ले लेते हैं, ये दोनों ब्रिक तोड़ के उसको लगवा देते हैं यहाँ पे, ऊपर से ले गया, पूरा लग जाएगा तो बढ़िया, ज़बरदस्त। नहीं उधर नहीं लगना था इसको, इसको तोड़ो, इसके ऊपर चढ़ते हैं। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। गाइस मैं सजेस्ट करूँगा, जब भी आप कोई बिल्डिंग विल्डिंग बना रहे हो तो आप अपना जो गेम मोड है उसको ना पीसफुली कर लेना, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके, कोई ज़ॉम्बी, कोई क्रीपर, आप जितना भी रात हो। अरे ख़त्म हो गया, बचा नहीं है क्या? और चल कोई बात नहीं। तो गाइस मैं आपको वापस ये वीडियो रिज्यूम करूँगा इसको पूरा कवर करने के बाद, तो इसको वापस ऐसे ऐसे लगा देते हैं। तो ये गाइस हम लोग का कंप्लीट होने ही वाला है, इसको एक काम करते हैं बाहर से जाके लगाते हैं तो ठीक से लगेगा। थोड़ा सा ही लगाना बस, ऊपर में हाथ पहुँचे, बढ़िया बढ़िया। अरे यार बिल्डर नहीं हूँ ढंग का, इसको यहाँ सेट करो, ऊपर चलो। अबे कौन है, चतू है, इसको भी यहाँ लगाओ, बस हो गया। तो गाइस हियर वी गो नाउ, तो हमारा बिल्डिंग का जो वॉल है वो खड़ा हो चुका है, पर जो रूफ़ है वो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि मैं क्या से बनाऊँ। ये जो रूफ़ टॉप है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या से बनाऊँ। मैं सोच रहा हूँ ना, मैं क्या कुछ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ अभी सोचा नहीं हूँ रूफ़ क्या से बनाऊँ बस। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही था, मतलब इतना ही वीडियो था आज की वीडियो में, मतलब इतना ही मैं आज खाली वॉल दिखाने वाला था आपको। अगली वीडियो में मैं आपको सोच के बताऊंगा कौन सी इसके ऊपर रूफ़ में लग चुक लगेगा या लगाऊंगा मैं आपको, और एक चीज़ दिखा देता हूँ बस। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके पास कोल नहीं है कहीं पे भी कोल नहीं है, तो आपको क्या करना जानते हो? कोल नहीं है और आपको फर्नेस जलाना, तो क्या करना, अपना चेस्ट में से आपका वुड ले लेना, वुडन प्लैंक्स। तो मेरे पास ये वुडन प्लैंक्स पड़ा हुआ है, ओक वुड प्लैंक्स। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे फर्नेस में जाना है, ये कोल है ना, कोल को हटा के यहाँ पे लग देना है 64, ये जितना भी आपके पास वुड है वो, और मेरे पास है 43 चिकन, तो मैं इसे चिकन को रख देता हूँ। और ये देखो गाइस, पता नहीं कैसे ये गेम का ग्रिंच है जो भी है, ये गेम का पता नहीं क्या ट्रिक है कि आप कोल के जगह आप वुड यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ को भी बर्न करने के लिए।
तो भी बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे आप कोल तो मिलता है नहीं, किसी किसी लोगों को बार बार माइन करना पड़ता है, तो आप ये अपना ये यूज़ कर सकते हो, वुडन प्लैंक्स। तो वुडन प्लैंक्स का अच्छा है, बढ़िया, आपको ज़रूर ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ेगा झंझट। मैं तो अब सोच रहा हूँ वुडन प्लैंक्स ही लगा दूँ सब में। ये हमारा बन रहा है ब्रिक, फिर बना लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसका इसको लगा दूंगा मैं। ख़त्म हो गया, चलो तो इतना सारा बन चुका है, इसमें कुछ नहीं है खाली है, इसको भी ले लो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।